बिहार में जांच हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, जांच का आंकड़ा ये है, क्यों नहीं अजय आलोक उन चीजों को बोलते हैं कैमरा के आगे, क्यों नहीं उस पर कोई ट्वीट करते हैं? कहां जांच हो रही है? जांच का आलम यह है साहब कि जांच आज हो रही है और वो आदमी जब शमशान घाट चला जा रहा है तब उसका रिपोर्ट आ रहा है कि वो पॉजिटिव। देखिए मैं LJP में हूँ, मुझे JDU बनने का शौक नहीं है और ना ही मैं कभी JDU बनूंगा। LJP हमेशा सच बोलते आई है, सच का साथ दी है और हमेशा संघर्ष करते आई है, संघर्ष करेगी। जहां सरकार के खिलाफ हमें कुछ भी मौका मिला, जहां सरकार की गलत नीतियों को लोक जनशक्ति पार्टी देखेगी, उसको उजागर करने का काम लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। लोजपा ने हमला बोला है नीतीश कुमार पर, बिहार की बदहाली को लेकर के नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराते हुए लोजपा की तरफ से बयान देकर कहा गया है कि जिस तरीके की स्थिति हुई है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोषी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अगर वक्त रहते तमाम एहतियातन कदम उठाए होते तो बिहार को आज ये बदहाली नहीं देखनी होती। लोजपा के प्रवक्ता वेद प्रकाश पांडे की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि नीतीश कुमार की विफलताओं की वजह से बिहार आज ऐसी घड़ी में है कि बिहार में संक्रमण हर दिन पांव पसार रहा है और लोगों जो लोग हैं उनकी जाने जा रही हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए इस पूरे बयान में। कहाँ इनकी नीतियाँ सफल हैं, ये तो विफलताओं के कगार पर खड़े हैं। आज से पूर्व एक महीना पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था जिसमें सरकार के तरफ से बोला जा रहा था बार बार कि हमने सभी जगह पर्याप्त बेड की व्यवस्था कर दी है, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। आज की हालात क्या है, कहाँ गए वो सारे बेड, कहाँ गई दवाइयाँ? इन्होंने तो इतना तक दावा कर दिया था कि पूरे भारत से ज़्यादा बिहार में रिकवरी दर है, आज कहाँ गया वो रिकवरी दर, ये बताया जाए हमें, ये बताया जाए ना हमें कहाँ गया। कल का आंकड़ा आपको बताता हूँ मैं, इनके स्वास्थ्य विभाग के तरफ से डेली का अप टू डेट अपडेट किया जाता है, उसमें क्या बोला गया, कल पूरे बिहार में कोरोना के वजह से 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हुई, जबकि आज हमने लाइव हिंदुस्तान के रिपोर्ट में पढ़ा है कि पूरे बिहार में 24 घंटा में 91 लोगों की मौत हुई, जिसमें 24 लोग सिर्फ पटना के मरे हैं और 74 लोग अन्य जिला के। नहीं, आप तो LJP में हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना। देखिए मैं LJP में हूँ, मुझे JDU बनने का शौक नहीं है और ना ही मैं कभी JDU बनूंगा। LJP हमेशा सच बोलते आई है, सच का साथ दी है और हमेशा संघर्ष करते आई है, संघर्ष करेगी। जहाँ सरकार के खिलाफ हमें कुछ भी मौका मिला, जहाँ सरकार की गलत नीतियों को लोक जनशक्ति पार्टी देखेगी, उसको उजागर करने का काम लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। ये JDU को नहीं बनने का मतलब क्या नहीं है? देखिए JDU नहीं बनने का मतलब ये कि आज आप देख लीजिए जिस तरीके से एक उनके प्रवक्ता हैं सर डॉक्टर अजय आलोक, अब डॉक्टर हैं कि फर्जी डॉक्टर हैं, आज जिस तरीके से बिहार के सभी डॉक्टरों का उन्होंने हौसला तोड़ा है एक ट्वीट कर करके कि घर में बैठे रहिए नहीं तो मौत सुनिश्चित है। अरे आप प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, आप लज्जित कर रहे हैं बिहार के उन सभी डॉक्टरों को जो दिन रात मरीजों की जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते उनको शोभा देता है इस तरीके की भाषा ट्वीट करना? बिहार में जांच हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, जाँच का आंकड़ा ये है, क्यों नहीं अजय आलोक उन चीज़ों को बोलते हैं कैमरा के आगे, क्यों नहीं उस पर कोई ट्वीट करते जांच हो तो रही है बिहार में। कहां जांच हो रही है? जांच का आलम यह है साहब कि जांच आज हो रही है और वो आदमी जब शमशान घाट चला जा रहा है तब उसका रिपोर्ट आ रहा है कि वो पॉजिटिव है।